अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुरादाबाद की इकाई ने 10 जनवरी को भाजपा नेता की बिटिया के अपहरण की बरामदगी को लेकर क्षत्रिय महासभा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी सौरभ ठाकुर के निर्देशन में डीएम मुरादाबाद को एक ज्ञापन दिया कि बिटिया की बरामदगी जल्द से जल्द हो, वरना क्षत्रिय समाज एक बड़ा आंदोलन करेगी और लखनऊ में जाकर मुख्यमंत्री ऑफिस का घेराव करेगी। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर राजेश सिंह, उदयभान सिंह ठाकुर, मनोज सिंह ठाकुर, समीर सिंह, विक्की सिंह, विशाल सिंह, अंकुर चौहान, अरुण प्रताप सिंह, NSUI के प्रदेश सचिव विवेक कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम सौरभ ठाकुर है जी। किस मामले को आपने ज्ञापन दिया है? हम लोग अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। 10 जनवरी को एक 13 वर्षीय बिटिया का अपहरण कर लिया जाता है मुरादाबाद से, और आज करीब तकरीबन 8 महीने होने को आए हैं। उस बिटिया की ना तो बरामदगी कर पाई है प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और ना ही अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर पाई। पिछले 14 जुलाई से ये परिवार आप देख रहे हैं धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है दिन रात। उसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों से बात हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, कभी कहते हैं लोकेशन वहाँ की है, कभी कहते हैं लोकेशन वहाँ की है, लेकिन फिर भी बरामद नहीं कर पा रहे हैं। कल भूख हड़ताल पर बैठे थे हम लोग, और आज हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लेटर हेड पे ये ज्ञापन देने जा रहे हैं DM महोदय को। इस ज्ञापन के द्वारा हम उन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, शासन प्रशासन को वो निर्देश दें कि जल्द से जल्द बिटिया की बरामदगी करवाएं, अभियुक्त को गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा क्षत्रिय समाज एक बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, और बहुत जल्द मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में घेराव करेगा, उसके ऑफिस का घेराव करेगा।